हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 32 साइज़ का हाफ कॉलर नेक का ब्लाउज़ का वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जिसमें मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताए हुए हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है और ये एस्तर का फैब्रिक है। तो बहुत ईजी तरीके से आपको हाफ कॉलर नेक की कटिंग बताने जा रही हूँ 32 साइज़ में। तो इस तरीके से आपको अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके अपनी तरफ रख लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ लेनी है हमें 14 इंच, 13 इंच तैयार रखना है, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मार्किंग कर ली है हमने 14 इंच पे। शोल्डर लिए हैं 7 इंच 32 साइज़ में और आर्मोल्स लिए हैं 6.5 इंच। अगर आप 32 साइज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं तो इसी मेजरमेंट से आपको कटिंग करनी है। शोल्डर 7 इंच, आर्मोल 6.5 इंच। अब यहाँ पर 32 का चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच, एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच का लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आर्मोल्स की गोलाई कर देनी है। यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दी है मैंने बैक पार्ट में। कमर है 26 इंच, तो 26 का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हमने 3 इंच का लिया है, क्योंकि हम बैक पार्ट में प्लीट्स डालते हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले लीजिएगा यहाँ पर। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, आपको कपड़े को इस तरीके से रखना है और नीचे की तरफ आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग करेंगे हाफ कॉलर नेक पर। तो बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें यहाँ फ्रंट वाले पार्ट को 1 इंच बढ़ाकर कट करना होता है, और आधा इंच मैंने यहाँ से हाई हुक की पट्टी अटैच करने के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हाफ इंच इस तरफ से और नीचे से 1 इंच बढ़ाकर अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लें, हाफ इंच बाहर की तरफ निकालते हुए, और इसे एज इट इज़ मार्किंग कर लें। बैक पार्ट को हटा दें इस तरीके से, आर्मोल्स का शेप कर लें। अब देखिए, यहाँ से आपको पौना 1 इंच अंदर की तरफ लेना है फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई देने के लिए इस तरीके से, और इसे अपनी तरफ घुमा लें और इस तरीके से गोलाई कर दें। तो ये हमारे फ्रंट आर्मोल्स की गोलाई अच्छी आनी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पहनने के बाद बहुत ही क्रीज आती है ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से आपको गोलाई देनी है पौना 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए। आर्मोल्स तरफ से 1/2 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है हमने टक्स डालने के लिए। तो इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है साइड से। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लें। तो देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब दोनों ही पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है शोल्डर को डाउन करने के लिए। हाफ इंच जितना हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। नेक विड्थ की मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच पे, और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो एक मार्किंग हम 3 इंच पे करेंगे और एक 4 इंच पे शेप देने के लिए, यहाँ से भी 3 इंच और यहाँ से भी 3 इंच। तो 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस तरफ से शेप दे दें। इस तरीके से आपको शेप दे देना है यहाँ पर, और कमर की साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए शेप दे देना है। तो एक मार्किंग 3-3 इंच पे करी थी और एक मार्किंग मैंने 4 इंच पे करी थी शेप देने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट भी देखिए कट हो गया है। अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक यहाँ से हम ले रहे हैं 7 इंच। आपको अगर थोड़ा कम रखना है तो आप 6.5 तक भी ले सकते हैं 32 साइज़ में। तो यहाँ पर नेक हमने लिया है 7 इंच, और इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ज़्यादा फैलाना नहीं है हमें कॉलर नेक में। तो शेप आपको इस तरीके से देना है। अब देखिए, प्लीट्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटर निकाल लें, बीच से कट कर लें, यहाँ से ले लें 4 इंच, 2 इंच ऊपर टक्स के लिए, 1/2 इंच दोनों तरफ से, और यहाँ से ले लें 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेंथ में, और यहाँ से ले लें 3 इंच।
आर्मोल्स तरफ से इस तरीके से प्लेट्स डाल लें, कट लगा लें ताकि दूसरी तरफ भी आपको मार्किंग करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर 2.25 इंच की गैप आ रही है, इस तरीके से आपको प्लेट्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स कटिंग कर लेंगे, तो आपको जितनी बड़ी स्लीव्स रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से कटिंग करनी है देखिए, 2 इंच हमारा यहाँ से बैक पार्ट से छोड़ के मार्जिन का, और ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर यहाँ पर हमने मार्किंग करेंगी थी, तो आर्मोल्स आए थे हमारे 6 इंच। तो यहाँ से देखिए हमें 6.5 पे मार्किंग करनी है, 1/2 इंच हमने इसमें बढ़ाया हुआ है, ऐड किया है इस तरीके से, और 2.5 इंच पे इसे डाउन कर देंगे, और इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें। हमने जो आर्मोल्स उसमें नापे थे यहाँ पर 6.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके स्लिप्स का शेप दे देंगे। हम 1/2 इंच इसलिए इसमें बढ़ाते हैं क्योंकि फ्रंट आर्मोल्स हमारा बड़ा हो जाता है कट करने के बाद, इसलिए हमने यहाँ पर 6.5 पे इसे कट किया था। तो ये हमारी स्लीव्स भी यहाँ पर कटिंग हो गई, स्लीव्स की लेंथ हमने 4.5 इंच रखी हुई है। अब हम यहाँ पर फ्रंट गुलाई दे देंगे, तो 1/2 इंच जितनी आपको यहाँ पर फ्रंट में गुलाई दे देनी है। मार्किंग कर लेंगे ताकि जोड़ते समय ध्यान रहे कि आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। अब हम इन सभी पार्ट्स को मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है हमने, देखिए यहाँ पर सभी पार्ट कट कर लिए हैं मैन फैब्रिक पर हमने। अब मैं आपको पैटर्न बना रही हूँ, अगर बैक में आप अपनी पसंद से कोई भी नेक बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से है। यहाँ पर कुछ शेप बता रही हूँ मैं आपको जो सबसे ज़्यादा चलते हैं कॉलर नेक में पीछे की साइड। तो देखिए एक शेप इस तरीके से होता है जिसे डायमंड शेप कहते हैं, एक इस तरीके से पत्ती वाला शेप होता है। इस तरीके से ये 4 शेप हैं जो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये वाला जो लास्ट में मैंने बनाया था वो वाला शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बुकरम को फोल्ड करके रखा हुआ है, और चौड़ाई में ले रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच, और लंबाई में 4.5 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से इसे शेप दे देना है। आप भी अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मैंने 1/2 इंच बढ़ाकर लिया है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर डिज़ाइन कट कर ली है बैक में बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन कट हो गई है फिनिशिंग के साथ। ये हम इसे यहाँ पर बैक पार्ट में नीचे अटैच करेंगे, ऊपर हमारी कॉलर आएगी। तो देखिए इसे हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर अटैच कर लेना है, ये बिना चिपकाने वाला है तो मैं सिलाई लगा कर इसे अटैच कर लूँगी। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले दोनों ही फ्रंट्स पार्ट को इस तरीके से रखें आप, और इसे सिलाई लगा कर अटैच कर लें। मैन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ मैं हमेशा, और एक्स्ट्रा निकलता है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अस्तर के कपड़े को मैन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब हमने जो प्लेट्स डाली हुई हैं उन पे हम एक एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाए, और पहनने के बाद ये उठता नहीं है। तो मैं 4 टक हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ। अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेंगे, तो जो हमने मार्किंग की हुई है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पर किस तरीके से लगाई हुई है आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से आपको भी लगानी है। तो देखिए यहाँ पर प्लेट्स डाल के हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पर बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो दोनों ही बेल्ट आपको इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब हम इसे अपने ब्लाउज पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए आपको किस तरीके से इसे अटैच करना है। आधा इंच की सिलाई लेते हुए आपको इसे अटैच कर लेना है, और एक सिलाई ऊपर से और लगानी है आपको। जो भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे आप कट करते जाएं।
अब हम यहाँ पर हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको हाई की पट्टी अटैच करनी है। एक सिलाई फोल्ड करके लगाएं तो पीछे की तरफ से भी फिनिशिंग हो जाती है और ऊपर से भी फिनिशिंग हो जाती है हमारी पट्टी में, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारी हाई और हुक की पट्टी दोनों ही कंप्लीट हो गई है। इसे बराबर कर कर चेक कर लें कि कहीं से हमारा कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर उरेप पट्टियाँ कट करेंगे नेक में फिनिशिंग करने के लिए। तो देखिए, वो आपको इस तरीके से कट करनी है और इस तरीके से जॉइंट करनी है। अब हम इसे नेक पे लगा लेंगे इस तरीके से। एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको इसे नेक के ऊपर अटैच कर लेनी है। अब बीच में छोटे छोटे से कट लगा लें आप इस तरीके से, और एक सिलाई कॉर्नर की पट्टी के ऊपर लगा लें आप। और इसे फोल्ड करके फिनिशिंग की एक पैर की सिलाई लगा लें इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो गया है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लें आप। दोनों ही रेडी कर लिए हैं हमने। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मेन फैब्रिक पर आपको अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। ये देखिए, हमने फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर लिया है। अब हमें मार्किंग कर लेनी है। इसे बराबर करके सेंटर में कट लगा लें, नीचे भी एक कट लगा लें और सेंटर में मार्किंग कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर अपना नेक अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। इस तरीके से अटैच कर लें। अगर चिपकाने वाले पेस्टिंग है आपके पास तो आप उसे प्रेस से अच्छी तरीके से चिपका लें एक्स्ट्रा कपड़े पर। एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इसे आप फोल्ड कर लें। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। इसके लिए भी हमने एक सेंटर में मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। यहाँ पर ऊपर से हम 2 इंच छोड़ के इसे अटैच करेंगे। तो 2 या 2.5 इंच छोड़कर आप इसे बैक में अटैच कर लें। यहाँ पर देखिए, फिनिशिंग के साथ आपको बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर ना आए आपकी सिलाई। अब इसे बीच से कट कर लें और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे अच्छी तरीके से कट कर लें। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और हम यहाँ पर कॉर्नर पे कट लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो पूरे ही नेक पे कट लगा लिए हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने इसे फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए, सिलाई लगाकर हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में प्लीट्स डाल देंगे। वो आपको इस तरीके से लगानी है। नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लें। इस तरीके से आपको कमर पट्टी लगा लेनी है। तो
तो देखिए यहाँ पर हमने कमर पट्टी भी लगा ली है, फ्रंट वाला पार्ट में भी इसे रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसे बराबर कर लेंगे बैक पार्ट को, और हल्की सी गोलाई देनी है हमें यहाँ पर बैक में 1.25 इंच की। इसे यहाँ से शेप दे दें हल्का सा और इसे कट कर लें। इसके ऊपर सिलाई लगा लें आप। सेंटर में एक कट लगा लें। अब हमें कॉलर के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम 2.75 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर के यहाँ से 2.75 इंच पे हमने एक मार्किंग करी है। अब हम कॉलर के लिए नाप लेंगे यहाँ से कि हमें कितनी बड़ी कॉलर रखनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेज़र किया है, यहाँ पर 6 इंच आ रहा है हमारा, तो हमें 12 इंच की कॉलर कट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच की पट्टी ली हुई है कैनवास की मैंने, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लें कच्ची, और यहाँ पर आप 1.25 इंच पे एक मार्किंग करके इसे इस तरीके से गोल शेप में कट कर लें। तो कट करने के बाद ये हमारी पट्टी 6 इंच की ही आनी चाहिए, क्योंकि 12 इंच का कॉलर है हमारा। एक्स्ट्रा कपड़े पर आप इसे एक कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लें इस तरीके से। तो ये मैंने मेन फैब्रिक ही लिया हुआ है यहाँ पर, आपको भी मेन फैब्रिक लेना है कॉलर बनाने के लिए। और यहाँ से देखिए बिल्कुल हल्का सा यहाँ से छोड़ते हुए हमें गोलाई में यहाँ पर इसे शेप दे देना है। आगे से आपको थोड़ी सिलाई छोड़ देनी है अटैच करने के लिए, और 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए इसे कट कर लेना है। नीचे से भी आपको थोड़ा कपड़ा रखना है, क्योंकि हम इसे अटैच करेंगे नीचे से। तो जितनी कपड़ा मैंने रखा हुआ है उतना ही आपको मार्जिन लेते हुए से यहाँ से इसे कट कर लेना है। अब हम इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और ऊपर की तरफ भी जो कपड़ा है हमारा नीचे की तरफ खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे आ जाएगा। और इसमें देखिए एक सेंटर में कट लगा लें। ब्लाउज़ को उल्टा रखें और सेंटर से मिलाते हुए आपको इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए आपको इस तरीके से इसे एक पैर की सिलाई लगाते जाना है और अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से इसे अटैच कर लेना है। अब देखिए जो खुला हुआ भाग है हमारा उसे इस तरीके से बंद करना है आपको, और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ऊपर फिनिशिंग के साथ इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को अंदर की तरफ दबाते जाएं और सिलाई लगा लें आप इस तरीके से। कॉर्नर पे अच्छी तरीके से पक्का कर लें सिलाई से। देखिए यहाँ पर ये कॉलर रेडी हो गई है, और हमने एक्स्ट्रा जो सिलाइयाँ लगाई हुई थी इन पे वो भी निकाल दी है। अब हम यहाँ पर देखिए कमर वाले पार्ट पे सेंटर पे मार्किंग करके पिन लगा लेंगे इस तरीके से। और जो भी देखिए पिन लगाने से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो बाहर की तरफ आ गया है, और इस तरीके से सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने कट कर लिया है। आर्मोल तरफ से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लें, और ये कच्ची सिलाई को आप खोल लें। तो ये दोनों ही पार्ट में आपको कर लेना है, उस तरफ भी
अब हम यहाँ पर स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए स्लीव्स आपको इस तरीके से रेडी कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें और दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें कहीं से पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है स्लीव्स का। अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो शोल्डर से आपको यहाँ पर अटैच करना है इसे। दूसरी तरफ से इस तरीके से करें और एक सिलाई और लगा लें इसके ऊपर। तो देखिए अब हम यहाँ पर फिटिंग के लिए गुम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों जॉइंट को जॉइंट से मिला लें और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है आपको। इस तरीके से अब हम यहाँ पर एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें। चौथा भाग है हमारा 32 चेस्ट का 8 इंच, कमर का 26 इंच का हमारा 6.5 इंच, और इसे सीधा सीधा मार्क कर ले। मोरी है यहाँ पर 11 इंच, तो हम 5.5 ले लेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर ले। अब यहाँ पर आप सीधी सिलाई लगा ले। तो सिलाई भी देखिए हमारी बिल्कुल सीधी आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कॉलर ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगा लें आप। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप।